हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों? ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर लाइज पैरेलल टू ए मच बिगर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ स्मॉलर लूप इज ऑन एक्सिस ऑफ बिगर लूप। The distance between their center is 15 cm. If current of 2 ampere flow through the bigger loop, then find value of flux bounded with smaller loop. Question क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे कह रहे हैं कि दो लूप है, एक बड़ा लूप है, सर्कुलर लूप है, और इसी के एक्सिस पे एक छोटा सर्कुलर लूप रखा गया है। एक बड़ा सर्कुलर लूप है, एक छोटा सर्कुलर लूप है, और इन दोनों के सेंटर का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस यक्स गिवन है वो कितना गिवन है बच्चों? यक्स इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है। क्या बच्चों? 15 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर, ये कितना है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर, ये कितना है? स्मॉल आर इक्वल टू हमें गिवन है 0.3 सेंटीमीटर। कह रहे कि अगर इस लूप में 3 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिया जाए, कितने का बच्चों? 2 एम्पियर का करंट अगर फ्लो करा दिया जाए, आई इक्वल टू 2 एम्पियर, तो इससे बाउंडेड फ्लक्स क्या होगा? अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। दो सर्कुलर लूप है, इनके सेंटर का, इनका दोनों का सेंटर क्या है? एक ही एक्सिस पे है। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल एक्स। कह रहे बड़े वाले लूप का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 0.3 सेंटीमीटर, और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। अगर इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराया जाए तो इससे बाउंडेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? क्या बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कोई अगर सर्कुलर रिंग हो और उसके सेंटर पर एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल क्या आते हैं बच्चों? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² + x² / 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्न 1 है। ये हमें नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया है, तो केवल एक ही टर्न मानेंगे इसमें क्वाइल में, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² + x² / 3/2। यह जो मैग्नेटिक फील्ड है यह इसके एक्सिस पे सेंटर से यक्स डिस्टेंस पे होता है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी हमें ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बी ऑब्टेंड हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन ऐसे कर लेते हैं, ऐसे फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो अगर हमें इससे बाउंडेड फ्लक्स फाइंड करना है, क्या बच्चों? बाउंडेड फ्लक्स, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? तो ये कह दिया जाए इससे बाउंडेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बाउंडेड विथ स्मॉलर लूप। स्मॉलर लूप क्या आ गए बच्चों? फाई इक्वल टू बी इंटू ए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इससे बाउंडेड अगर फ्लक्स फाइंड करना है तो इसकी एरिया लेनी पड़ेगी यहां से। तो फाई इक्वल टू बी, इसका एरिया क्या होगा बच्चों? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या बच्चों? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बी हमें यहां से फाइंड कर लेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² + x² / 3/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या लिखे बच्चों? पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, जितनी भी वैल्यू है, म्यू नॉट की वैल्यू रखते हैं, आई की वैल्यू रखते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, 2, ये सारी वैल्यू हमको मालूम है। जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या फाइंड होगा? 5 = म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻¹⁷। यहाँ पे आई की वैल्यू दी है 2 एम्पियर। कितना दिया है बच्चों? 2 एम्पियर इंटू आर। आर कितना गिवन है? एक
सेंटीमीटर में गिवन है, तो 20 × 10⁻²² का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लिखेंगे अपॉन 2 आर, आर की वैल्यू कितना है आर स्क्वायर कैपिटल आर, 20 × 10⁻²² का होल स्क्वायर प्लस एक्स कितना गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर, 15 × 10⁻²² का होल स्क्वायर पर 3/2, 3/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इनटू पाई आर, आर की वैल्यू कितना है स्मॉल आर की वैल्यू 0.3, 0.3 × 10⁻²² का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से फाइव इक्वल टू हो जाएगा 4 × 2 8 × π² हो जाएगा, क्या लिखो 10⁻⁷ ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 400 × 10⁻⁴ स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ और ये 400 हो जाएगा इंटू 0.09 × 10⁻⁴ अपन यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 2 हो जाएगा 20, 400 × 10⁻⁴ प्लस ये हो जाएगा 225 × 10⁻⁴ 3/2, 5 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 32π² × 100 हो जाएगा, ये इक्वल 10⁻⁻ ये हो जाएगा या −8 और −7 −15 और ए बच जाएगा यहाँ से 100 ए हो चुका है 0.09 ए बचेगा हमारे पास, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इसे लिखेंगे 400 और 2 ये 625 × 10⁻⁴ का 3/2 क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 5 को यहाँ से क्या बचेगा पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 होता है, कितना होता है बच्चों 10 × 100 × 10⁻⁵ × 0.09 अपन ये क्या लिखेंगे 2 और ये लिखेंगे 25 का स्क्वायर 25 × 10⁻² का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2³/2 ये होल स्क्वायर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ से कैलकुलेशन करें 5 = 32 × 0.9 को 9 बना लेते हैं 10⁻⁶ हो जाएगा ये 1 और 10⁻² यह ये 3 10⁻⁵ 15 + 3 ये 10⁻⁵ 15 और 1 और 2 ये 3 प्लस 3 और 10⁻⁺ इसका है −2 × 9 अपन यहाँ क्या बचेगा बच्चों ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 × 10⁻²² का होल क्यूब, इसको सॉल्व कर लेंगे तो फ्लक्स हमें ऑब्टेन हो जाएगा।